स्वागत है माँ की रसोई में। आज हम मना रहे माँ की स्पेशल कैरी और आलू की सब्जी। चलिए देखते हैं वो कैसे बनती है। आलू और कैरी की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए 3 आलू, 1 कैरी। कैरियों का इस टाइम सीजन है, आलू में डाल के बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसमें कैरी का आलू में खट्टापन आ जाएगा। और लेंगे हम 2 प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट हम अलग से बनाएंगे। इनको हम उबलने के लिए चढ़ा देंगे। क्योंकि कैरी कच्ची है तो हम इसको नहीं काटेंगे, जैसी है वैसे ही साबुत चढ़ा देंगे और इसको आलू के साथ उबाल लेंगे। मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इसमें पानी डालेंगे। और आलू डालें, आलू धो के ही डालें ताकि मिट्टी मिट्टी होगी तो वो साफ हो जाएगी। कैरी का ये पीछे वाला हिस्सा आप जरूर काट दें, इसके बाद ही डालें। ये साबुत कैरी डाल दी हूँ, ढक्कन लगा देंगे। इसको 2 सीटी आने तक पकाएंगे। जब तक हमारे आलू पकते हैं हम इनका पेस्ट बना लेंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का। हरी मिर्च के पीछे से डंडी तोड़ देंगे, प्याज हमने छीली हुई है। अदरक को भी थोड़ा बारीक काट लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे जब तक हमारे आलू पक के तैयार होते हैं। देखिए भाई, आलू पक गए हैं हमारे, उतार लेंगे। मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला आप इसमें सबसे पहले तेल डालेंगे, खाली 1 चम्मच बड़ा। गरम होने देंगे, हल्की सी डाल देंगे हींग। हल्की सी डाल देंगे हींग। मसाले में तेल छोड़ दिया है, अब इसमें डाल देंगे हम एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स कर देंगे उसको अच्छे से। और डाल देंगे 3 चम्मच लाल मिर्च। आप कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं और ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें। लाल मिर्च को ही पका लेंगे। मसाला जितना अच्छी तरह से पकेगा आपकी सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। इसलिए मसाले को आप जल्दीबाजी ना करते हुए अच्छे से पकने दें, आपकी सब्जी अच्छी बनेगी, उसमें स्वाद अच्छा आएगा। अच्छे से पक गया है, अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसको पकाएंगे। मसाला पक गया है और कलर भी छोड़ दिया इसमें अपना। मसाला पकने के बाद में हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए
लाल टमाटर, और इनको भी अच्छे से पका लेंगे। ग्रेवी में आलू अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो बन गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे सर्विस बोल में। देखिए, यानी हमारी ग्रेवी में अच्छे से पक गई है और इसमें उबाल दिया है। ये थोड़ा सा घोल हम इसलिए बनाते हैं, उबले हुए आलू है वो इसमें अच्छी तरह से पक जाए, हमें उन्हें ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है। इसमें डाल देंगे हम कटे हुए आलू और कैरी, कैरी डाल देंगे। आलू थोड़े बड़े ही काटने चाहिए, उबले हुए आलू थोड़े बड़े कटे हुए ही अच्छे लगते हैं। इसको हल्का सा पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक, और हमारी कैरी वाली आलू की सब्जी तैयार हो जाएगी। 200 मिनट धीरे धीरे हल्के हल्के चलाते हुए इनको पलट पलट करके पकाएं, ताकि मसाला इनमें अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी बहुत गाढ़ी है, बस एक उबाल आने के बाद इनको उतार दें। गाइज, हमारे कैरी आलू की सब्जी तैयार है। आप इन्हें पराठों के साथ खाए और ऊपर धनिया डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगे। और इस सब्जी को बनाने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, और कैसे बने हमें आप ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहो। इनको प्रमोट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए।